गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन टू क्लास KG. टुडेज अवर सब्जेक्ट आर हिंदी एंड मैथ्स. आज के हमारे विषय हैं हिंदी और मैथ्स. हमारे पिछले वीडियो में हमने अ से अह तक हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उनके बारे में पढ़ा था. आज हम हिंदी वर्णमाला के क से ग तक जो भी व्यंजन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों, आज मैं आपको चार वर्गों के बारे में बताऊंगी. क वर्ग, ट वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग एंड त वर्ग. इन चार वर्गों के बारे में बताऊंगी कि इन वर्गों में कौन कौन से वर्ण आते हैं. ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप मेरे साथ मौखिक उच्चारण करेंगे. जिस प्रकार मैं आपको बोल के बता रही हूँ उसी प्रकार आप अपने घर पर अभ्यास करेंगे. ठीक है बच्चों, मेरे साथ दोहराएंगे आप. क, ख, ग, घ, ड. हमारा अगला वर्ग है च वर्ग. च, छ, ज, झ, ण. अगला वर्ग है हमारा ट वर्ग. ट, ठ, ड, ढ, ण. इसके बाद हमारा वर्ग है त वर्ग. त, ठ, द, ध और न. ठीक है बच्चों, आज हम इतने ही वर्गों का अभ्यास करेंगे. एक बार और आप मेरे साथ दोहराएंगे. क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ और ण. अगला वर्ग है हमारा त वर्ग. त, ठ, द, ध, ण. ठीक है बच्चों, जिस प्रकार मैंने आपको बोलकर बताया है आप इसी प्रकार बोलेंगे. ठीक है, अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे तो आप आगे दो वर्ण, तीन वर्ण, चार वर्ण के अगर जो शब्द सीखेंगे उसमें आपको बहुत आसानी होगी याद करने में भी और बोलने में भी. ठीक है बच्चों, ये देखिए आपको क से लेके न तक आज की, ये देखिए क से न तक आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे. ये हमारा क वर्ग है. क से ड तक, क वर्ग में क से ड तक आते हैं वर्ण. च वर्ग में ये देखिए च से ण तक वर्ण आते हैं. ट वर्ग में ट से ण तक के वर्ण आते हैं और त वर्ग में त से न तक के वर्ण आते हैं. ठीक है, आप इनको बोल बोल कर याद करेंगे. जिस प्रकार मैंने आपको बोल के बताया है वैसे ही याद करेंगे. ये आपका आज का हिंदी का गृह कार्य है. आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे इस प्रकार. सबसे पहले ऊपर आप डेट डालेंगे. डेट डालने के बाद आप ऊपर हेडिंग लिखेंगे वर्णमाला. इसके हम आज से व्यंजन सीख रहे हैं तो हमारा पहला वर्ग है क वर्ग. आज हम सिर्फ क वर्ग के सारे वर्ण सीखेंगे. ठीक है बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है. लिखते टाइम एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, जो भी आप लिखेंगे सुंदर सुंदर लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे. ठीक है,
बोल बोल कर लिखेंगे तो आपको उसी प्रकार याद उसी टाइम जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखने के बाद आप वापस एक बार से बोलेंगे क ख ग घ ड। ठीक है बच्चों, क ख ग घ ड, इस प्रकार आप लिखेंगे भी और बोलेंगे भी। ठीक है बच्चों, हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। ये देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 1 to 20 तक नंबर लर्न किए थे, आज हम 21 to 30 तक नंबर लर्न करेंगे। फर्स्ट ओरल प्रैक्टिस करेंगे हम, रिपीट विथ मी 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30. वंस अगेन 2 1 21 2 2 22 2 3 23 2 4 24 2 5 25 2 6 26 2 7 27 2 8 28 2 9 29 3 0 30. ठीक है बच्चों, आप इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. ठीक है बच्चों, आपको जिस वे में अच्छे से याद होता है आप उसी प्रकार याद करेंगे, और अपने मैथ्स की नोटबुक में ये आपका आज का वर्क है, देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले डेट डालेंगे आप, हेडिंग लिखेंगे ऊपर काउंटिंग 21 to 30, देन इसके बाद में देखिए आपको वन वन बॉक्स छोड़कर इस टाइप से लिखना है। ठीक है बच्चों, जो भी लिखेंगे आप बोल बोल कर लिखेंगे और नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, हमारे कल के वीडियो में नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों एंड टेक केयर।